गुजारिश करूंगा कि वो कोशिश करें कि जो सवाल करने वाले भाई आए वो पहले नॉन मुस्लिम हो। मेरा नाम राजकुमार है जी। मैं एक छोटा सा व्यापार करता हूँ। मैंने कई बार कुरान पढ़ी है तो उसमें जिस आयत का आपने जिक्र किया है उसमें आपने आधी आयत जिक्र किया है, अल-तौबा की पांचवी आयत, जिसमें लिखा है कि जो गैर मुसलमान को मारो साथ में घात लगा मारो और जब तक वो नमाज कायम करें जकात दें तब उनको छोड़ दो, अर्थात मुसलमान बन जाए तब छोड़ दो। और दूसरी बात यह थी कि 6551 की नंबर उसमें है जिसमें लिखा है कि ऐ मुसलमानों तुम ईसाइयों यहूदियों को अपना दोस्त मत बनाओ, अगर जो दोस्त बनाएगा वो उनमें से हो जाएगा। ये बात इंसानियत के खिलाफ मैं महसूस करता हूँ। भाई साहब ने सवाल किया कि मैंने जो आयत कोट की सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 की, वो आधी आयत कोट की, उसमें लिखा हुआ है कि उन्हें जब छोड़ दो जब वो नमाज कायम करे और ज़कात दे। ये भी जो भाई साहब कह रहे, पूरी आयत का मैं हवाला देता हूँ। अगर आप पूरी आयत पढ़ेंगे तो आपको सही पस मंज़र मिलेगा। जैसे मैंने कहा था मेरी तकरीर में, हवाला तो दिया, आयत नंबर 5 में लिखा है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 में कि अल्लाह सुबहाना व ताला मुश्रिकीन मक्का को 4 महीने का वक्त देते सुधरने का, वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में लिखा हुआ है कि जहाँ भी आप मुश्रिकों को पाएंगे उनका कत्ल करो, वेट फॉर देम इन एवरी स्ट्रेटजम ऑफ वॉर, उनका इंतज़ार करो और मैदान जंग में उनका कत्ल करो। लेकिन अगर वो रिपेंट करे, मतलब माफ़ी मांगे, कई वजह है, अगर वो माफ़ी मांगे नमाज पढ़े और ज़कात दे तो छोड़ सकते हैं, मतलब वो इस्लाम को कबूल करे, या वो सिर्फ अमन चाहते हैं, तो कई ऑप्शंस दिए गए हैं। एक ऑप्शन है कि अगर वो रिपेंट करे, माफ़ी मांगे, इस्लाम को कबूल करे तो भी छोड़ दीजिए, या वो अमन चाहते हैं और इस्लाम कबूल नहीं भी करे तो भी छोड़ दो। आगे आयत में लिखा है आयत नंबर 6 में, आयत नंबर 6 भी उसके साथ है ना, कि अगर वो अमन चाहते हैं तो उनको हिफाजत से ऐसी जगह पर ले जाओ जाके वो महफूज है। तो बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं। लेकिन अगर वो आपसे झगड़ा करना चाहते हैं मैदान जंग में तो उनका कत्ल करो, अगर झगड़ा करना चाहते हैं तो कत्ल करो, अगर झगड़ा करना नहीं चाहते हैं बोलते अमन चाहते तो छोड़ दो, अगर वो माफ़ी मांगते इस्लाम कबूल करते फिर भी छोड़ दो, तो कई ऑप्शन दिए गए हैं। ये कहना गलत है कि वो इस्लाम कबूल करे तो ही छोड़ो, कई आयते आपको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए। फिर से आप सिर्फ एक पार्ट ऑफ द वर्स निकालेंगे और कोट करेंगे, लोग को फिर से गलत फहमी होती है। तो ये सही जवाब है कि बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं, और कई जगह सूरह अनफाल में भी लिखा है कि अगर वो अमन चाहते तो अमन बेहतर है, उसमें ये नहीं लिखा है कि इस्लाम कबूल करना उनके लिए ज़रूरी है, कर सकते हैं अगर वो इस्लाम को पसंद करते हैं। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में 256, ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है, देयर इज नो कंपल्शन रिलीजन, ट्रुथ स्टैंड्स आउट क्लियर फ्रॉम एरर, हक बातिल से अलग है, हक ट्रुथ इज क्लियर फ्रॉम एरर, जो हक की बात है वो गलत बात से अलहदा है, हमें हक पेश करना चाहिए, अगर वो कबूल करे तो अच्छी बात है, नहीं कबूल करे तो भी कोई बात नहीं। और कई ऐसे आयते कुरान की, सूरह काफिरून भी है सूरह नंबर 109, इसमें लिखा गया है कि कह दो काफिरों से जो लोग इस्लाम को झुठलाते हैं, हम वो चीज़ की इबादत नहीं करेंगे जो आप करते हैं या जो आप चाहते हैं, ना आप उनकी इबादत करते हैं जिसको हम मानते हैं, ना हम आप जिसे कहते हैं उसकी इबादत करेंगे, ना आप करेंगे हम जिसे कहते हैं, लकुम दीनुकुम वलियद्दीन, आपके लिए आपका दीन, हमारे लिए हमारा दीन। तो हमारा फ़र्ज़ है कि सच्चाई लोगों तक पहुँचाओ, पहुँचाने के बाद अगर वो मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, नहीं मानते तो भी अल्हम्दुलिल्लाह तो भी कोई बात नहीं, हमको सवाब मिलेगा, हमें हक बात करने का सवाब मिलेगा चाहे वो माने या ना माने। तो हमारा फ़र्ज है कि अच्छी बातें करें चाहे इंसान माने या ना माने। तो यही कई आयतों में आप पढ़ेंगे और पस मंज़र में देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो ये लिखा है।